सपोज आप कोई मूवी देखने गए और मूवी का टाइटल था जैसे को कॉकरोच, तो ये मूवी का टाइटल पढ़ते ही आपके दिमाग में आया कि ये मूवी बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होगी, कॉमेडी होगी, एक्शन होगा, थ्रिल होगा और इसमें ढेर सारे जानवर होंगे। लेकिन जब आप मूवी को देखे तो आप शॉक में पड़ गए क्योंकि वैसा कुछ नहीं था। तो जो आपके दिमाग में जो बातें आई ना उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द मूवी। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल पेजेस। आज हम फिर से अपना 3 मिनट वाला सीरीज कर रहे हैं जिसमें एक चैप्टर है उसका नाम है हाइपोथेसिस, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाइपोथेसिस इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स, हाइपो एज वेल एज थीसिस। हाइपो जो है इसका मतलब होता है बिफोर और थीसिस का मतलब होता है थ्योरी। दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये हो जाता है प्री थ्योरी, पहले से आपने किसी के बारे में या फिर किसी रिसर्च के बारे में क्या सोचा हुआ है, दैट इज ओनली नोन एज हाइपोथेसिस। हो सकता है कि बाद में रिसर्च करने के बाद आपकी चीजें ऑल टुगेदर गलत हो जाए या फिर सही हो जाए या फिर पार्शियली सही हो जाए, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये कोई गेस है, इमेजिनेशन है जो कि बेस बनता है आपके इन्वेस्टिगेशन का। आपने पहले से ही चीजें सोची हुई है वही आपका बेस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी के सबसे छोटे पार्ट को हम सेल बोलते हैं, ढेर सारे सेल को आप मिलाओगे तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है। एक घर का सबसे छोटा पार्ट जो है वो है ब्रिक या फिर ईंट, वैसे ही एक थ्योरी का सबसे छोटा पार्ट है हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस को हम वेरीफाई कर देते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि वो चीज सही है, तब जाके वो थ्योरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि गंदी परवरिश से क्या होता है कि गंदे बच्चे आगे चल के निकलते हैं, या फिर ग्रुप स्टडीज में क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, आपका दिमाग बहुत अच्छा रहता है, आप अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, हो सकता है कि गंदी परवरिश के बाद भी जो बच्चा है वो आईएएस ऑफिसर बन जाए, या फिर कोई ग्रुप स्टडी में पढ़ रहा है तो भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि वो पबजी खेल रहा है साथ में लोगों के साथ मिलकर। सो कुछ भी हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, क्रूड हाइपोथेसिस होते हैं एंड रिफाइंड हाइपोथेसिस होते हैं। क्रूड हाइपोथेसिस मतलब कि जिसमें लो लेवल ऑफ कल्पना रहती है, लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैड पेरेंटिंग लीड टू बैड चिल्ड्रन, लगभग ऐसा ही होता है। लेकिन रिफाइंड हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस रहते हैं, जिसमें आप ढेर सारे रिसर्च कर सकते हो। थ्योरेटिकल रिसर्च ज्यादा होते हैं, ऊपर वाले में थ्योरेटिकल रिसर्च कम होते हैं। जैसे कि पॉवर्टी रिजल्ट टू हाई फर्टिलिटी, कई तरीके से आप रिसर्च करते रहो। आप सोर्सेस हम देखेंगे हाइपोथेसिस के, पहला ये है कि हम इसको डेली प्रैक्टिसेस और ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू हम कुछ हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं। हमारा कल्चर कैसा है, हमारा ट्रेडिशन कैसा है, उसके हिसाब से हमारे दिमाग में बातें आती है, या फिर हमने जो बचपन में फोक स्टोरी सुनी हुई है अपनी दादी वगैरह से वो हमारे दिमाग में बस चुकी है, उसके कारण हम नए नए चीजें अपने दिमाग में, जो उपज आती है हमारे दिमाग में वो इसकी वजह से आती है। पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कारण हम हाइपोथेसिस निकालते हैं। सपोज हमें शॉक लग गया करंट से, ऐसा वैसा हमें दिमाग में आया, तो कोई भी अगर बाथरूम में जा रहा है और बटन प्लग को क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है गीले हाथ से, तो हम ऑटोमेटिकली उसे बोलेंगे कि अरे यार करंट लग सकता है ना। तो दूसरा है सोशल चेंज, हमारे समाज में ढेर सारे बदलाव आते रहते हैं और उसके कारण हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें जो है ये बसी हुई होती है, उसके कारण हाइपोथेसिस बन सकता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। तो पहला ये है कि ये सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए कि आम जनता इसको समझ सके। दूसरा है कि टेस्टेबल होना चाहिए, टेस्टेबल मतलब कि इसको हम वेरीफाई कर सकें। अगर कोई चीज़ हम वेरीफाई ही नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे कि ये सही है फिर गलत है, तो उसका मतलब ही क्या, हाइपोथेसिस का क्या होगा। तीसरा है ये क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हो सकता है कि ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। और लास्ट वन है लॉजिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आए बाए बातें कर रहे हो कि हाँ यूनिकॉर्न दुनिया में घूमते रहते हैं, परियां घूमती रहती, मतलब थोड़ा सा तो लॉजिकल और सेंसिबल बात करो। सो गाइस थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। हाँ थोड़ा सा मुझे आपको बोलना था कि हाइपोथेसिस बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैंने आपको ऑल टुगेदर जो कैटेगराइजेशन होता है ना सिर्फ 2 टाइप का मैंने वही बताया। अगर आपको थोड़े से और डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बनाओ, तो डन टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और मुझे ये भी बताओ कि वो और कौन से टॉपिक्स है जो मैं आप लोग को बता सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।